हेलो फ्रेंड, मैं फिरोज़ और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल गार्डनिंग पैशन। आज आपके साथ ड्रेसिना प्लांट की जानकारी शेयर करूंगा। और ये देखिए, मेरी जो ड्रेसिना की वैरायटीज़ हैं वो आपके सामने हैं और इन्हीं ड्रेसिना प्लांट के बारे में आपके साथ जानकारी शेयर करूंगा। इन पौधों को ठंड के मौसम में कैसे बचाना है, और आज अक्टूबर की 8 तारीख हो गई है, इसी समय से इन पौधों पर काम करना शुरू कर देना चाहिए, जिससे पूरी सर्दी भर ये पौधे आपके सुरक्षित रहें और अगले सीज़न में भी ये पौधे बचे रहें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो पर अंत तक बने रहें, जिससे कि आपको पूरी जानकारी मिल सके। इस पौधे में बहुत सारी वैरायटीज़ पाई जाती हैं और मेरे पास भी कुछ वैरायटीज़ हैं जो आपके सामने हैं। ये देखिए, ड्रेसिना चॉकलेटी है और ये जब इसमें ब्राउन कलर की, ये देखिए हल्की हल्की सी इस पर कलर शेड आता है, और अभी ये न्यू ग्रोथ हो रही है। इस पौधे को बंदरों ने ख़राब किया था और उसके बाद ये देखिए इसमें कितनी अच्छी सी ग्रोथ हो रही है, और इसमें ब्राउन और वाइट ग्रीन का शेड आता है। आप बीच की पत्तियों पर देखिए, हल्का सा ब्राउन कलर देख रहे होंगे। इसी के साथ ये देखिए ड्रेसिना मेरिजेनेटा है, और इसकी मेरे पास दो वैरायटी हैं। एक ये ग्रीन और येलो शेड का ड्रेसिना है, और इसके अलावा ये देखिए एक रेड और ग्रीन शेड का ड्रेसिना है, और इसमें हल्का सा वाइट शेड भी आता है। इसके अलावा ये देखिए, ये एक ड्रेसिना है और इसको सांग ऑफ इंडिया के भी नाम से जानते हैं, और इसकी मेरे पास तीन वैरायटीज़ हैं। एक ये देखिए ग्रीन वैरायटी है, इसके अलावा एक और वैरायटी है, वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। ये देखिए, ये सांग ऑफ इंडिया की तीसरी वैरायटी है, और इसमें ग्रीन शेड में हल्का हल्का सा वाइट और येलो का शेड आता है। तो इस तरीके से मेरे पास कई ड्रेसिना के पौधे हैं जो बहुत सुंदर दिखते हैं। और ये देखिए, ड्रेसिना रूबी रेड है, और इस समय इस पर जब लाइट पड़ती है तो ये बहुत, जैसे इसके ये पत्तियों के निचले हिस्से देख रहे हैं, इसी तरीके से इसकी पत्तियाँ पिंक डार्क पिंक सी हो जाती हैं और बहुत खूबसूरत दिखता है। इस पौधे को भी ये देखिए बंदरों ने तोड़ा था, और इसको मैंने यहाँ से टेप से बांध दिया था, और ये एक ब्रांच इसी में जुड़ गई है। इसको ये जो है कटिंग, ये मैं इसको हटा करके और किसी दूसरे पार्ट में लगाऊंगा। इसी के साथ भी और बहुत सारी ये देखिए ड्रेसिना की वैरायटी हैं, और इनमें हल्का हल्का से चेंज होता है। ये देखिए ग्रीन लीव है पूरी इसकी, और इसमें येलो और ग्रीन का शेड आता है। इसी की ये देखिए एक बड़ी वैरायटी है, और इसकी पूरी पत्तियाँ ग्रीन ही डार्क ग्रीन रहती हैं। इसके अलावा एक ये देखिए ड्रेसिना का पौधा है, और इसमें भी बहुत खूबसूरत सी ग्रोथ होती है, बहुत अच्छा सा पौधा ये चलता है। इसको भी ये देखिए नीचे से बंदरों ने ख़राब किया था, और उसके बाद इसमें से नई ग्रोथ आ रही है। इन पौधों को आप ठंड के मौसम में कैसे बचाएं और कैसे ये सुरक्षित रहें, इसी पर आपसे बात करता हूं। और इनकी मिट्टी को कैसा रखना है अब ठंड के दिनों में, जिससे ये पौधे ऐसे ही हरे भरे रहें। तो आइए बात करते हैं आगे, इन्हीं पौधों को कैसे ठीक से रखें, कैसे स्वस्थ रखें। बात करते हैं इसकी सॉइल की। इसकी सॉइल को अब ठंड के दिनों में बहुत ज़्यादा सॉगी ना बनाएं। और ये देखिए, मेरे सितंबर से ही मैंने शुरू किया है, सितंबर माह से ही मैंने इनको पानी देना कम कर दिया है, जिससे इनकी नीचे तक की मिट्टी सूख जाए। और आप देखिए, इसको जब मैं इनकी गुड़ाई करूँगा तो ये देखिए, ये इस तरीके से बहुत भुरभुरी सी मिट्टी अंदर दिखाई पड़ेगी। ये देखिए, इसकी मिट्टी बिखर रही है और नीचे तक ये धीरे धीरे गमला सूख रहा है, और इसकी नमी पूरी तरीके से नहीं ख़त्म करनी है, वरना इस तरीके से ये देखिए जो इसकी टिप होती हैं वो ब्राउन होने लगेंगी और आपका पौधा ख़राब लगने लगेगा। और इनमें बारिश के दिनों में देखिए ओवर वाटरिंग हुई थी, उसी की वजह से ये टिप्स, हर पौधे की टिप्स ये देखिए ब्राउन हो रही हैं। ऐसा ना हो इसलिए इनकी नमी को ख़त्म करना होगा, और ठंड के दिनों में तो ज़रूर ख़त्म करना होगा। इसके साथ ही इस पौधे की जो सूखी हुई पत्तियां हैं, जो डेड हेड हैं, उनको भी हटा देना चाहिए, जिससे ये पौधे सुंदर लगें और ठंड के दिनों में भी ये अच्छे से आपके घर की शोभा बढ़ाते रहें। कल इन गमलों पर एक काम करना चाहिए, इनकी मिट्टी जो है उनकी सबसे पहले अच्छे से गुड़ाई कर देनी चाहिए, और मैं सारे गमलों की गुड़ाई करने के बाद आपके साथ फिर से वापस आता हूँ।
तो ये देखिए मैंने सारे गमलों में गुड़ाई कर दी है अच्छे से, और सभी गमलों की मिट्टी सूखी हुई है। कुछ मिट्टी में नमी थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि ये थोड़ा सेमी शेड एरिया में रखे हुए थे, और कुछ पौधों को थोड़ा ज़्यादा धूप मिल रही थी, इसी वजह से इसकी मिट्टी सूखी हुई है और कुछ की गीली है। और ये देखिए एक और मेरी वैरायटी थी ड्रेसिना की, इसको बंदरों ने ख़राब कर दिया था, और इसमें भी ये देखिए न्यू ग्रोथ आने लगी है। एक तो ऊपर ये देखिए यहाँ से निकल रही है, और दूसरे इस जगह से ये ग्रोथ निकल रही है, और इसमें जो येलो स्ट्रिप वाला स्नेक प्लांट होता है उसी की तरीके से पत्तियाँ निकल रही थी, जैसे ये सांग ऑफ इंडिया है इसी की तरीके से बड़ी बड़ी सी पत्तियाँ इसमें निकलती हैं, और बहुत सुंदर ये पौधा दिखता था। अब इसकी गुड़ाई करने के बाद आपको एक और काम कर लेना है, इस पौधे में जो भी सूखी पत्तियाँ होती हैं जैसे इस तरीके से, उन पत्तियों को हटा देना है, इन इस तरीके से इन सभी सूखी पत्तियों को हटा देना है, और एक भी सूखी पत्ती नहीं रखनी है। उसके अलावा इन पौधों में एक चीज़ और ध्यान रखनी चाहिए, इस तरीके से जो टिप ब्राउन होकर सूख जाती हैं उनको हटा देना चाहिए कैंची की मदद से, ये सारी की सारी हटा देनी चाहिए जो ब्राउन पड़ गई हैं, जो भी ब्राउन टिप पड़ गई हैं उनको हटा दें, जिससे आपका पौधा सुंदर दिखने लगेगा। पौधों को ठंड के दिनों में ऐसी जगह रखें जहाँ पर पूरे दिन की इनको ब्राइट सनलाइट मिलती रहे, और इनको आप ठंड के दिनों में फुल सनलाइट में भी रख सकते हैं, क्योंकि ठंड के दिनों में बहुत तेज़ धूप नहीं होती है, और ऐसे में ये पौधे ग्रोथ करते रहते हैं। ये पौधे हम इंडोर भी रखते हैं ब्राइट सनलाइट वाली जगह पर, लेकिन ठंड के दिनों में जब बहुत तेज़ ठंड पड़ती है उन दिनों भी इनको हम इंडोर ही रखे रहते हैं, और ऐसे समय ये पौधे ख़राब हो जाते हैं। इन पौधों को ठंड के दिनों में ज़्यादा धूप की ज़रूरत होती है, तो इन पौधों को ऐसी जगह रख दें जहाँ पर कम से कम आधे दिन की तेज़ धूप इन पौधों को ज़रूर मिल जाए सुबह की, तो ये पौधे ठंड के दिनों में भी ग्रोथ करते रहते हैं। इन पौधों को ह्यूमिडिटी पसंद है, नमी पसंद है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग कर दी जाए। इन पौधों को नमी बनाए रखें, बिल्कुल इन पौधों को सूखा ना रखें। जैसे देखिए इस ये पौधा पूरी तरीके से सूखा हुआ है, और नीचे तक आप कहीं भी देखेंगे पूरी तरीके से सूखा है, लेकिन ये देखिए ये पूरी तरीके से सूखा नहीं है और इसमें हल्की हल्की सी नमी है। जब इस तरीके से आपके पॉट की मिट्टी हो तो इसको अच्छे से गुड़ाई कर दें, और एक दिन के लिए इसको ऐसे ही छोड़ दें, फिर दूसरे दिन इसमें पानी दे दें, तो ये पौधे अच्छे से ग्रोथ करते रहते हैं, और इसमें ओवर वाटरिंग की वजह से आपका पौधा कभी ख़राब नहीं होता है। इन पौधों में एक कमी और आती है कि जब इसकी पत्तियां झड़ने लगती हैं पीली पड़ करके, और धीरे धीरे आपका पौधा ये देखिए इस तरीके से नीचे की सारी पत्तियाँ गिरा देता है, और ऊपर ही ये इतना सा पौधा बसता है, तो ये पौधा अच्छा नहीं लगता है। और इस तरीके से पत्तियाँ जो गिरती हैं उनका मुख्य कारण जो होता है वो ओवर वाटरिंग होता है, और उसके साथ ही इसमें ओवर वाटरिंग से हो जाती हैं या पूरी तरीके से इसकी मिट्टी सूख जाती है, इस वजह से ये पत्तियाँ झड़ने लगती हैं। तो दोनों ही कंडीशन में इसकी पत्तियाँ पीली पड़कर गिरती हैं, या तो इसमें ओवर वाटरिंग हो गई है और या तो इसकी मिट्टी पूरी तरीके से सूख गई है। दोनों ही कंडीशन में इसकी पत्तियां पीली पड़कर गिरने लगती हैं, इसकी टिप ब्राउन होने लगती हैं इस तरीके से। तो ध्यान रखें इसमें बहुत ज़्यादा नमी को ख़त्म ना करें और ना ही बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग करें। ये देखिए इसमें रूट सी अब मैंने गुड़ाई की है, ये ऊपर निकल आई है, तो इस तरीके से जो रूट बाहर आ जाएँ उनको फिर से बंद कर दें। और अगर आप ध्यान रखेंगे पानी का तो ये पौधे कभी ख़राब नहीं होंगे। इन पौधों को रूट बाउंड होना पसंद है तो बार बार इसके जो पॉट हैं उनको ना बदलें, इसको बहुत जल्दी जल्दी रिपॉट ना करें, और बहुत ज़्यादा जब इसके रूट जो है इसके पॉट के नीचे से आपको दिखाई देने लगें तभी इनको आप पॉट बदलें। और देखिए ये मैंने 6-6 इंच के पॉट में और 8-8 इंच के पॉट में मैंने लगा रखे हैं, कुछ मैंने 12 इंच के पॉट में लगाए हैं, और इसमें भी ये देखिए अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं। इसलिए इन पौधों को बहुत ज़्यादा बड़े पॉट में ना लगाएं, और अगर इस तरीके से आपका पौधा बड़ा हो गया है तो उसको आप लगा सकते हैं 12 इंच के पॉट में, और 12 इंच से बड़े पॉट में इन पौधों को आप ना लगाएं। और जब भी इस तरीके से ये देखिए नीचे की पत्तियाँ गिरने लगें तो आप ध्यान दें इसको बीच के हिस्से से
कट कर दें। जब इसको आप बीच से कट कर देते हैं तो देखिए इस तरीके से नीचे से बहुत सारी ब्रांच निकल आती हैं। और यहाँ पर देखिए, यहाँ बंदरों ने मेरे इस पौधे को तोड़ दिया था इस जगह से, तो यहाँ पर कितनी सी ब्रांच इसमें न्यू ब्रांच आ गई और ये देखिए पूरा बुशी सा लगने लगा है। तो इस तरीके से ये पौधे अच्छे हो जाते हैं इसकी अगर आप कटिंग करते रहते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ से कटिंग की थी और इसमें से न्यू ब्रांच आ गई है और नीचे से रूट से देखिए एक पौधा निकला है। इस तरीके से ये पौधे आपके बुशी हो जाते हैं। एक पौधा मैं और दिखाता हूँ, ये देखिए इसकी भी मैंने यहाँ से कटिंग कर दी थी और ऊपर देखिए ये तीन ब्रांच इसमें आ गई हैं। नीचे से ये देखिए यहाँ से रूट से आ रही हैं और इधर से रूट से निकल रही हैं। तो इस तरीके से ये देखिए पौधा आपका बुशी लगने लगता है और बहुत ज़्यादा इस तरीके से लंबी हाइट, जैसे ये मैरिजिनेटा की हाइट जा रही, इस तरीके से ना जाएं। और ये भी काफ़ी लंबा पौधा हो गया था, इसको भी ये देखिए मैंने यहाँ से कट कर दिया था और इसमें देखिए ये ब्रांच आ रही है और ये रूट से एक निकल रहा है। तो इस तरीके से इसकी कटिंग कर दें तो ये पौधे आपके बुशी हो जाएंगे। ये जैसे ये देखिए मेरा सांग ऑफ इंडिया का पौधा है, ये भी ड्रेसिना की वैरायटी होती है और इसमें देखिए नीचे से कितनी बुशी, कितनी ब्रांच निकल कर आ रही हैं और इनको भी मैं समय समय पर कट करता रहता हूँ। तो इस तरीके से आप अपने पौधे को बुशी बना सकते हैं। बात करते हैं इसमें फर्टिलाइज़र की, तो इनको आप वर्ष में दो बार फर्टिलाइज़र अगर देते हैं तो ये पर्याप्त रहता है। और इसमें आप इनको काउडंग, वर्मी कंपोस्ट, सीवीड, नीम खली और बोन मिल दे सकते हैं। मैंने इनको थोड़े दिन पहले काउडंग दिया हुआ था और ये देखिए काउडंग के टुकड़े आपको ऊपर दिख भी रहे हैं, ये सब मैंने इसमें दे दिया है। और आज मैं इनको सीवीड लिक्विड दूंगा। अक्टूबर की आज 8 तारीख है और आज के बाद इनको कोई भी फर्टिलाइज़र मैं नहीं दूंगा। और अगले साल जब ये फरवरी में स्प्रिंग सीजन आएगा उस समय मैं इनको अब फर्टिलाइज़र दूंगा। इन पौधों को किसी भी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है। आज मैं इनकी रूट में सीवीड का पानी दूंगा और वो भी आज नहीं दूंगा, आज मैंने इनकी गुड़ाई कर दी है और उसके बाद ये जब इनकी नमी ख़त्म हो जाएगी उसके बाद मैं इसमें सीवीड का लिक्विड दूंगा। लेकिन एक गमला मेरा सूखा हुआ है और मैं इसमें आपको सीवीड डालकर अभी दिखाऊंगा और उसके साथ में थोड़ा सा नीम ऑयल भी मिक्स करूंगा जिससे इसकी रूट में कोई फंगस ना होने पाए। और नीम ऑयल का स्प्रे इन पौधों की पत्तियों पर भी करूंगा जिससे किसी भी तरीके का अगर कोई इन्फेक्शन हो बारिश की वजह से तो ये सही हो जाए। और उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैं आपको सीवीड कैसे डालना है वो भी डालकर बता रहा हूँ और उसी तरीके से आप इसको इस्तेमाल करें तो ये पौधे आपके सुरक्षित रहते हैं। ये देखिए ये सीवीड लिक्विड है और इसको मैं इस आधा लीटर से भी कम पानी है और इसमें मैं डालूँगा। लगभग 3 ml मैं ये सीवीड लिक्विड लूँगा और उसको इसमें अच्छे से घोलकर इसकी रूट में दूंगा। ये देखिए मैंने सीवीड लिक्विड ले लिया है और ये लगभग 2-3 ml है, बहुत ज़्यादा भी नहीं मिलाना है आपको। और इसमें ये देखिए इस तरीके से इसको अच्छे से घोल लेता हूँ और बहुत ज़्यादा पानी नहीं लेना है, इसको इतना ही डालें कि ड्रेनेज होल से यह निकलने ना पाए, थोड़ी देर के लिए स्पॉट में रुके। और इसको ये देखिए इसको अच्छे से घोल लिया है और धीरे धीरे से ये देखिए मैं हर तरफ इसको दे देता हूँ और इस तरीके से मैंने इसमें दे दिया है। और इस पॉट की मिट्टी बहुत सूखी हुई थी तो इसलिए ये देखिए बहुत तेज़ी के साथ मिट्टी को, ये पानी को सोख रही है। और इस तरीके से इसमें आप सीवीड दे सकते हैं। इन सारे पॉट में मैं दूंगा लेकिन अभी इनमें नमी है और इस वजह से मैं इनमें नहीं देना चाहता हूँ। और ये देखिए ड्रेनेज इसका कितना बढ़िया सा है और ये नीचे से देखिए निकलने लगा है पानी। तो इसी तरीके से इसकी मिट्टी भी बनी है, वेल ड्रेन इसकी मिट्टी होनी चाहिए और डालते ही ये देखिए सारा पानी नीचे आ रहा है। और इसको मैं कार्टन की मदद से इसी पॉट में फिर से इकट्ठा कर लूँगा और किसी दूसरे पॉट में डाल दूँगा जो ड्राई होगा, इसको मैं ख़राब नहीं होने दूँगा। ये देखिए मैंने सीवीड और नीम ऑयल का लिक्विड
बना लिया है। और ये देखिए इतनी बॉटल खाली है, इसमें और इतना मैं पानी मिला लूँगा और इसके बाद मैं इन सारे पौधों पर स्प्रे कर दूँगा, जिससे इन पे पत्तियों पे कोई भी अगर फंगल इन्फेक्शन है तो ख़त्म हो जाए। इसके साथ ही इसमें मैंने सीवीड दे रखा है, तो इनको पत्तियों से भी न्यूट्रिशन मिलेगा और ये एक अच्छा सप्लीमेंट होता है, न्यूट्रिशन होता है पौधों के लिए, बहुत अच्छा काम करता है। तो आप भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ना करें। अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो अच्छे से इसको किसी एक पौधे में थोड़ा थोड़ा सा डालकर चेक कर लें कि किस हिसाब से इसको देना है और उसी हिसाब से। और ये सब क्लाइमेट के हिसाब से भी निर्भर करता है कि आपके यहाँ का मौसम कैसा है, उसी हिसाब से इन चीज़ों का आप प्रयोग करें। तो मैं स्प्रे भी करके आपको बताए दे रहा हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से अच्छे से इन सभी पौधों पर स्प्रे कर देना चाहिए, बॉटल स्प्रे बॉटल जो होती है उसकी मदद से। और ये देखिए पीछे एक मनी प्लांट रखा है, मैं उस पर भी इसको डाल दूंगा। और इन पौधों पर अच्छे से इस चीज़ का इस्तेमाल करें। हर तरफ से इसको डाल दें, ऊपर से और नीचे से भी इन पौधों पर इसको डाल दें, तो ये पौधे बहुत अच्छे से ग्रोथ करते रहते हैं और पूरे वर्ष भर हरे भरे रहते हैं। तो ये देखिए मैंने इस तरीके से इनको सब स्प्रे कर दिया है और जो थोड़ा सा लिक्विड इसमें बचा है मैं किसी दूसरे पौधे पर डाल दूँगा। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ, फिर मिलूँगा एक नई वीडियो के साथ, एक नए पौधे के साथ, एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।